अच्छा आप दो लफ्ज तो कहिए। अरे दो लफ्ज तो कहिए। अरे ऐसे काहे शर्मा रही हैं? अरे दो कुछ तो बोलिए। अरे ऐसे नहीं, नहीं। अरे अपने पति को भी कुछ बोलिए, फोन करेंगे अभी। आप पति को फोन करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप इधर आइए। पर अभी आपको बुरा तो नहीं लगा हमने भाभी जी को फोन दे दिया, तो आपको तो ज्यादा तंग करेंगे? नो सर, नो सर। नहीं, नो सर, अभी फोन मुझे देगी ही नहीं बात करने के लिए। अजय सुनते हो, घर पे जल्दी आओ। तो तू बोल देना। ज्यादा ओ गुरु, तू बोल देना, मैं अनलोडिंग कर रहा हूँ। शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। हेलो, क्यों तमाशा कर रहे हो? अरे हमने सुना था इधर मदारी वाले आए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे बंदर का नाच कर लें, यहाँ पे थोड़ा उसका तमाशा कर लें। नाच कर लें, अब बाहर जाके ऑटो कर लें, दफा हो जाए यहाँ से। मदारी वाले मदारी नहीं आए यहाँ पे, मदारी फिल्म की कास्ट आई यहाँ पे, पागल कहेंगी। पर ये ऐसे ही है, और ये तो वैसे ही है, पता नहीं कैसे है। तो क्या है, तो हमारा ऐसे के वैसे कर दिए। कहावत ठीक है, ऐसे का वैसे नहीं होता, ऐसे की तैसी होता है। अरे लेकिन फीलिंग तो वही है ना। बहुत फीलिंग ले रही है तू आजकल, हम देख रहे हैं। हम बता रहे हैं, हमको रिंकू देवी कहते हैं, अब हमारी ननद है, इसको संतोष कहते हैं, जो हमारे आंख के नीचे इसको डार्क सर्कल कहते हैं, वो जो जलेबी जैसे शेर सुनाते हैं उनको सिद्धू जी कहते हैं, इनको डार्क चॉकलेट कहते हैं, स्वीट चॉकलेट कहते हैं, और देख आम पापड़ बैठा है। अरे देखिए, हम कह रहे हैं कि कब तक ऐसे आप फिल्मों में लोगों से सुनते रहेंगे, और लोगों को आपको कहना पड़ेगा कि भाई एक बार घोड़ी चढ़ना नसीब नहीं हुआ, और दूसरे लोग घोड़ी पे घूमे जा रहे हैं। ये क्यों ऐसा आपको बोलना पड़ता है? अच्छा नहीं लगता है हमें, इसलिए हम आपके लिए पर्सनल घोड़ी लेकर आए हैं। नहीं देखिए, आपको मौका हम दे रहे हैं, आइए घोड़ी पर बैठिए। एक देख नहीं एक 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 बार घोड़ी पर बैठ के तो देखिए। आपकी घोड़ी के आगे डांस हम खुद करेंगे। अब म्यूजिक चलाइए। सिद्धू भाई जी, घोड़ी में घर ले जाता हूँ। अब इसका क्या, इसको भी ले जाइए, इसने आपके लिए इतना किया है। तो हाँ किए कि ना किए? तो हाँ ही है। हाँ ही है जी, बिल्कुल। किस के ना के लिए हाँ है क्या? ना के लिए हाँ है। हाँ, हमने कहा था तुझे भैंसिया समझ गया, सब कुछ बात बन रहा था, जो तू डांस किया ना ये गंदा सा, उसकी वजह से मना कर दिया, वरना रिश्ता का बात हो जाता। हमारे कब तक सीने पे दाल चलेगी तू? दो से तीन नहीं होने देगी तू, परिवार नहीं बढ़ने देगी, खुद ही बढ़ती जाएगी। इसके बाद हमको जीने नहीं देती है इरफान जी, हमको क्या बताएं? घर में हमारा जो हॉल रूम है ना, उसमें हम सोते हैं, इधर भैया सोते हैं, बीच में ये सोती है, इधर हम सोते हैं। तो ये करवट मारती है हम बाहर कमरे के। हॉल रूम में सोते हैं सब लोग। क्यों सोते हैं हॉल में, बेडरूम में सोया करें आप? बेडरूम तो है ही नहीं ना। आपने पिछली बार कहा था मेरा वन बेडरूम हॉल किचन है। नहीं, उल्टा सुना, हमने कहा था हमारा बेडरूम हॉल किचन वन ही है। किचन में ही हॉल बनाया है। उससे कोई जिम्मी शेर गिल नहीं, जिम्मी शेर दिल शादी करेगा कोई। कितनी बार आपसे कहा है, भैया भी कहा है, पर मर्द के सामने इतना बतियाने की जरूरत ना है। बोले ही जा रही हैं, चुप रहिए। बातों का एक सिस्टम होता है, तरीका होता है। ए भैंसिया, क्या सिस्टम होता है? तू हमको सिस्टम सिखाएगी क्या? अरे देखिए, एक एक कहेंगे आप। हेलो, अरे सुनो, आप क्यों बात ले? कुछ सिस्टम नहीं होता। अरे होता है, दिल से मत पढ़ो हमारा। क्या सिस्टम होता है? अरे मिल गया, हम भैया को जाके बताएंगे, पता चलेगा।
देखो आप लड़िए मत, आप एक काम करिए, आज हम सिटी केबल में यही मुद्दा उठाने वाले हैं कि कौन सा सिस्टम कौन चला रहा है और कैसे चला रहा है और क्यों चला रहा है, तो आप उसमें हमारा साथ दीजिए। आप लड़िए मत, आप वही हम कह रहे हैं हौसले का शो है, उसमें आप ऐसा कर रहे हैं। चुप कर, गंदा गंदा चुटकुला सुनाती है, हौसले का शो है। चलिए चलिए डिबेट शुरू करते हैं फटाफट।